पटाका एटीएम। वसली नाम के गांव में परम नाम का एक आदमी हर साल दिवाली पर पटाका का दुकान चलाया करता था। उस गांव में वो अकेले ही चलाता था, इसीलिए लोग उसी के दुकान पर भर भर कर आते थे। लेकिन परम बहुत भोला था, इसीलिए बहुत लोग उससे उधारी लेते थे। एक दिन एक आदमी दुकान आकर, परम भाई, इस बार दिवाली गली गली में शोर मचाए, ऐसे मनाए जाए, यूं सोच रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे पास मोस्ट पावरफुल बॉम्ब जो है, हर एक का 20 पैकेट दो, ऐसे ही 1000 वाला 10, अनार और चक्रा 100 बांध देना। यूं कहा परम। वो भाई, लास्ट ईयर के पटाखे का बिल 10,000 रुपए, वो अभी तक आप पूरा नहीं भरे, वो दे दोगे तो अच्छा होगा। तब वो, ये क्या परम भाई, लास्ट ईयर का बिल मैंने अब तक क्लियर नहीं किया। अरे भूल गया, कम से कम आप तो भी याद दिलाना था ना। परम, आपके घर पर कई बार मैंने अपने आदमियों को भिजवाया था भाई, लेकिन आप, यूं कह रहा था कि वो भिजवाए थे, अरे मुझे तो पता भी नहीं। वो ये है कि ठीक दिवाली पर ही पैसे बहुत टाइट हो जाते हैं भाई, इस बार पटाखा दे दो, लास्ट ईयर और इस साल का मिलाकर नेक्स्ट ईयर दिवाली के अंदर दे दूंगा, ठीक है ना। उसकी ये बातें सुनकर, ठीक है भाई। उस दिवाली पर परम की पूरी दुकान खाली हो गई। पैसों का हिसाब किया तो निवेश के पैसे तक नहीं आए। घर पर उसकी पत्नी ज्योति, आप फिर वो पटाखा व्यापार किए तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, जरूरी चीजों को उधार देने में शायद गलत ना हो, क्योंकि 2000 रुपए देकर राशन सामान खरीदते हैं तो पूरे महीने खाते हैं, इसीलिए उन्हें पैसे वापस लौटाने का भी ख्याल आता है। वही 2000 रुपए देकर पटाखे खरीदे तो 2 सेकंड में खाली हो जाते हैं, फिर वो उधारी चुकाने का मन भी नहीं रखते। ऊपर से आपका ये साफ दिल और भोलापन सारा गांव जान गया है, इसीलिए किताबों में उधारी बढ़ती जाएगी और आपके पास कुछ बचेगा नहीं, आपको इस जिंदगी में पैसे नहीं मिलेंगे, समझे। यूं बोली परम। तुम जो बोल रही हो वो सच है, लेकिन बचपन से मेरा ये वीकनेस तुम्हें तो पता है ना, मैं बचपन में घर पे दिवाली का दुकान लगाकर दोस्तों के साथ अच्छे से खेलता था, अब वो छोटा सा खेल मेरी आदत बन गई है, अब मैं दिवाली का दुकान ना खोले तो रह नहीं पाऊंगा री, लेकिन पूरे साल में मेहनत करके कमाए पैसे एक ही बार में उधारी में चले जा रहे हैं, क्या करूँ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। यूं कहा। ये सब सुन रहा उसका बेटा किट्टू। डैडी, इस गांव में आपके अलावा और कोई भी पटाखों का दुकान नहीं खोलेगा, यानी गांव वालों के पास सिर्फ आप ही का एक चारा होता है, वरना 100 किलोमीटर दूर जाकर पटाखे लाने पड़ेंगे, इस नाते आप अच्छे से कमा सकते थे, लेकिन आपका भोलापन बीच आ रहा है, इसीलिए आपके चेहरे को बिना कस्टमर को दिखाए उधारी बिना दिए पटाखे बेचने का एक तरीका मुझे मिल गया है, हम पटाखा एटीएम रखते हैं, आप उस एटीएम मशीन में पटाखा रखकर बैठना, कस्टमर्स तब उन्हें जो भी पटाखे चाहिए वो सेलेक्ट करके वो मशीन में कार्ड या पैसे डालने पर ही वो पटाखों को बाहर डालिए, लोगों को ये नई चीज भी होगी और तो और उधारी वगैरह भी नहीं मांगेंगे। अगली बार दिवाली पर परम अपनी दुकान पर एक बड़ा सा सुतली एटीएम रखा। परम उस एटीएम के अंदर अलग अलग किस्म के पटाखे रखकर बैठा था। लोग उस एटीएम के आगे क्यू लगाए, एक कार्ड डालकर उसे जो पटाखे चाहिए सेलेक्ट किया। अंदर से परम वो कार्ड को लेकर स्वाइप मशीन पर स्वाइप किया, फिर उसे जो पटाखे चाहिए थे वो एटीएम से बाहर डाला। एक और औरत एटीएम में पैसे डालकर पटाखे सेलेक्ट की। परम अंदर वो पैसे लेकर पटाखे बाहर डाला। उससे जो उधारी किया था वो आकर काट डाला। अंदर से परम, ओह लोन डिटेक्टेड, मनी विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, थैंक यू सो मच, कहकर मशीन की तरह पुकारा। वो दंग रह गया था।
इस तरह परम पुराने उधारी को भी वसूल करने लगा। उस साल परम को अच्छा लाभ मिला। परम का परिवार पहली बार खुशी से पटाखे फोड़कर दिवाली मनाए। परम ज्योति किट्टू की इस होशियारी पर अभिनंदन किए। इस तरह परम हर साल पटाखा एटीएम लगाने लगा। लोग भी आने लगे।